इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। अब श्री हनुमान जी फल देख करके बोले, माँ आपकी आज्ञा हो तो थोड़ा भूख लगी है, खा लूं, दर्शन तो हो ही गया, अब जाना है। माँ ने कहा, लाला इस वाटिका के रखवाले बड़े मजबूत मजबूत योद्धा लोग हैं, आपको चोट करेंगे तो? बाबा बोले, तिनकर भय माता मोही, आप प्रसन्न हो तो मैं जाऊं। माँ के समझ में नहीं आया मैं कहूं क्या, लेकिन धनुजवन कृषानुम ज्ञान इनाम अग्रगण्यम, देख बुद्धि बल निपुण कपि, कहे वो जान की रघुपति चरण हृदय धरी। जाइए, ये केंद्र है सुंदरकांड का, यह प्रसंग हृदय है, केंद्र प्रसंग है। माँ को प्रणाम किया हनुमान जी और चल पड़े कहाँ, अशोक वाटिका में फल खाने। चले उनाई सिर पे थे उपाता, फल खाए इस पर तोरे लागा, फल खाए तारो पर रखवाए, आती क्यावा कंपारी, उपाट का उदारी, आए अग्रम की कंपारी, रक्षक प्रति मर्ति, रावण कटे भटनाना, अक्षय को रावण ने भेजा, एक वृक्ष हनुमान जी ने उखाड़ा, अक्षय के ऊपर दे मारा, अक्षय का कौन पठया उते ही, अक्षय कुमार अभी अभी द्वंद सीख के आया। रावण को लगा कि ये बच्चा है, अभी जाएगा तो इसको अभ्यास हो जाएगा, हनुमान जी ने अभ्यास भी नहीं करने दिया, एक ही वृक्ष में अक्षय का समापन कर दिया। क्यों? अंगद जी ने कहा था कि चला तो जाऊंगा, आने में संशय है। क्यों? अंगद के मारे। श्री हनुमान जी सन्मुख देखे, अंगद जी की बात स्मरण आई और बिना योजना बनाए अब जो भट्ट सुभट आए थे, श्री हनुमान जी ने कुछ को दाएं पकड़ा, कुछ को बाएं, देखिए कितनी गति से बाबा मारते, कछु मारिस कछु मर्दसी, कछु मिले सिधरी, कछु पुन जाय पुकारि, प्रभु मर कट। जो निशाचर बचे थे वो जाकर रावण से कहते हैं, प्रभु वानर नहीं है, वो मारता भी है और काट भी लेता है मौका पर। लिखा बाबा ने कम, प्रभु मर कट बल भूल, देवराज को जो जीत लिया है इंद्रजीत, इंद्रजीत को रावण ने कहा, बेटा देखिए ऐसा कौन उत्पाती वानर आ गया लंका में। चला तो, परंतु रावण विवेकी है, कहता है बेटा मारना मत, बांध के लाना, मारिस जन सुत, जानता है कहीं मारने की जगह में खुद न मर जाए, इसलिए कहा बांध करके लाना। चला इंद्रजीत मारे, मेघनाथ मूर्छित हो गया।
हाँ कभी इधर दिखाई पड़े कभी इधर, जीत न जाए प्रबंधन जाया। एक मुष्टिका में मूर्छा आ गई थी, मेघनाथ को सोचने लगा दूसरी मार देगा तो उठ ही नहीं पाएंगे। अस्तु अंतिम अस्त्र ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान किया मेघनाथ। ब्रह्मयस्त्र ते ही साधा कपि मन कीन, जो न ब्रह्म शर्मा महिमा। ब्रह्मास्त्र देख कर हनुमान जी ने प्रणाम किया। ते ही देखा कपि मूर्छित भयो। अब श्री हनुमान जी नाटकीय मूर्छा ले लिए। देखा कपि मूर्छित भयो। मेघनाथ बोला भटों से सुभटों से वीरों से महारथियों से उठाइए, डर के मारे कोई नहीं जा रहा है। काहे हनुमान जी जिसको पकड़ लेते हैं उसको अपने बाल में घसीट देते हैं। रहे महाभट ताके संगा गही गही कप मर्दही भी, डर के मारे कोई पास नहीं जा रहा था। एक बूढ़े महारथी ने कहा युवराज इसका हाथ बांधिए। ते देखा कप मूर्छित भयवु नाग पास बांधे सी, गए रावण को हनुमान जी भी देखना चाहते हैं। जगत के स्वामी से ऐसा कौन है वीर जो उलझ गया है। रावण का प्रताप तो था ही साहब, कहने में क्या आता है। रावण कज्जल गिर जैसा स्वरूप उसका बैठा है, तेजस्विता उसकी चेहरे से झर रही है। बड़ा विचित्र संवाद हुआ है। अंत में श्री हनुमान जी का अंग भंग करने को कहा, इतने में विभीषण जी आ गए। विभीषण जी ने समझाया ये उचित नहीं, मर्यादा नहीं है। तो कहा कप के ममता पूछ पर सबई कहो समझाए, तेल बोर पट बांध पहुँचहीन बांध तब जिनके कीने से बहुत बड़ा देखो मैं दिल के प्रभुता है। कौन है रावण तो जानता ही है कि कौन। रहा न नगर वसन घृत तेला बाढ़ी हनुमान जी ने खेल कर दिया। नगर पेर पुनि पूंछ पूरी श्रीलंका में इतनी पूंछ बढ़ गई, बुद्धि हरण हो गई। पावक जरत देख हनुमंता भय परम लघु रूप। हनुमान जी निमुक्कर चढ़े निजाजरिया त्राहिमाम त्राहिमान करके चिल्ला पड़ी। और हनुमान जी देखो वानर जब प्रसन्न होता है तो वो गुलाटे बहुत लगाता है। उलट पलट लंका सब जारी, हरि भरि दते ही अवसर चले मरुत अट्टहास करि घर आसुरी संपदा पल भर में जलकर राख हो गई। गल सोने की नगरी है। भगवान शिव की आज्ञा से विश्वकर्मा जी ने बनाया था और शिव जी ने इसको कुबेर को भेंट किया था। कुबेर जी को भगवा दिया रावण ने, उनका पुष्पक ज्ञान जो रघु जी ने भेंट किया था कुबेर को वो छीन लिया था। छीना झपटी की संपदा बहुत दिन चलती नहीं है, वो ब्याज सहित चली जाती है। इसलिए जो सहजता से प्रभु दे दे उसी में आनंद रखना चाहिए। छीन झपट्टा करके सामग्री एकत्र करना आसुरी वृत्ति है, सात्विक वृत्ति नहीं है। जो जिसका नहीं है उसका सुख उसको नहीं मिलेगा, वो उत्पात के साथ उपस्थित होती है, उत्पात में ही प्लेन कर देती है जीव। तो रावण ने जैसा किया वैसा पा, लेकिन वो मैदान उसके ससुर हैं। दो घड़ी में पूरी लंका दोबारा जैसी थी वैसी। इधर हनुमान जी महाराज पूछ बुझाई खोई श्रम धरि लघु रूप,
कसुता के आगे, माँ को प्रणाम करके हनुमान जी माँ से कुछ चिन्ह मांगते हैं। चूड़ा मणि उदार तब हर्ष समेत पवन सुत, माँ का संदेश लेकर हनुमान जी यहाँ से चले। एक बार भगवान के नाम का घोष किया हनुमान जी, जय श्री राम। निशाचरी समाज जो आने वाला था सब का समापन कर दिए बाबा। आए समुद्र उल्लंघन किए, मित्रों से मिले, सबको प्रणाम किए, सब लोग हनुमान जी को बहुत लाड डराते हैं। कोई मुंह चूमता है, कोई हाथ चूमता है, कोई लांगुल चूमता है, लांगुल मैंने पूछ, कोई पांव चूमता है। कहे हनुमान जी की कृपा से जान बच गई। देखो दो तीन बातों का कोई अर्थ नहीं है, भूत प्रेत सताते हैं। अरे पूज्य बाबू जी का पद है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, सब संकट मिट जाए, पढ़ो हनुमान चालीसा, पढ़ो हनुमान चालीसा। ये हनुमान जी का चालीसा, जो 40 पंक्तियां हैं, जो पढ़ेगा उसको भूत प्रेत नहीं लगते, अरे निकट नहीं आते, देखते कांपते हैं। लेकिन लोग हनुमान चालीसा भी पढ़ते, कहते हमको प्रेत पकड़ता है। कहाँ कैसे पकड़ेगा, निष्ठा बना के रखो। हनुमान जी, श्री हनुमान जी की शरण में न शनि लगता है, न प्रेत बाधा आती है, सब समाप्त हो जाते। घर से निकलो, गाड़ी में बैठो, हनुमान जना नाम सुंदर भाई पुत्रो महाबल रामगुन सका पिंकाक्ष विक्रम उदत कमश्चैव सीता अशोका बहार का लक्ष्मण प्राण दाता च दस किवस दर्पा एवं मद्वादशना मानी कपिंदस महात्मन स्वाप काले प्रबोधे च यात्रा काले तुय पढ़ेत तस्सर्वयम नाचरणे च विजयी भवेत कर सारंग साज कटिभा था अरि दल दलन चले रघुनाथा। उसके बाद श्री हनुमान चालीसा का पाठ करो, यात्रा प्रारंभ के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करो, आपकी गाड़ी आपका शरीर कवचबद्ध हो जाएगा, बाल बांका नहीं हो सकता। करके देखो, अब गाड़ी में बैठे और लगा लिया गुंगू, हाँ पहुंच गए, आ रहे हैं, जा रहे हैं, फोन पर खाली बतिया रहे हैं, भगवान का नाम नहीं ले रहे हैं। हर घड़ी एक व्याधि पकड़े है जीव को, कैसे चलेगा ये, इस पंक्ति का ध्यान रखना। हाँ पढ़ो हनुमान चालीसा, पढ़ो हनुमान चालीसा। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।